guys, welcome back to my channel. This is Kelly's World. और आज की वीडियो है जिसमें आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, इज अबाउट मीशो ज्वेलरी हॉल. सो विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने जल्दी से मीशो से क्या क्या खरीदा. और मैंने टोटल खरीदे हैं 6 सेट्स जो कि बेसिकली इंडियन वेयर्स के ऊपर ही जाएंगे. सो लेट्स चेक आउट कि वो कैसे निकले हैं. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो फर्स्ट जो मेरा ये सेट है ओपन कर देती हूँ आपके सामने. तो मैंने देख ही लिया है बट आप देखते हैं कि ये कैसा लगता है साड़ी के ऊपर. तो आज मैंने साड़ी इसलिए डाली है क्योंकि साड़ी के साथ ही पता चल जाएगा अच्छे से कि ये कैसे लगने वाले हैं सबके सब सेट साड़ी के ऊपर इंडियन वेयर के ऊपर बेसिकली. दैट्स व्हाई आई वाज हार्ड टू डे. मैंने ज्वेलरी भी कुछ डाली है क्योंकि मैं साथ ही साथ पहनकर भी दिखाने वाली हूँ. फर्स्ट सेट जो हमारा है वो ये है, ये कुछ इस तरीके से कुंदन वर्क विद पर्ल्स. सो और इसके साथ मुझे हमें मिला है इयररिंग्स एंड मैंने पहन लिया है और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है साड़ी पर. तो बहुत प्यारा लग रहा है इयररिंग्स से देख सकते हो. और ये है मांग टीका मैंने ऐसे लगाया है. मैं तो लगा के दिखा नहीं कैसे लगने वाला है. सो बस मुझे इसमें एक डिफेक्ट लगा वो ये है कि जो इसके स्ट्रिंग्स है ना वो यहाँ से निकलकर सेम लाइन में जुड़ने चाहिए बट ये यहाँ पे दूसरी लाइन में जुड़ा हुआ है. तो आई थिंक ये डिफेक्टेड पीस है. अदरवाइज ये बहुत प्यारा मतलब ये चीज इसमें नहीं कभी होती तो ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है क्योंकि साड़ी के साथ या फिर इंडियन आउटफिट के साथ बहुत अच्छा जाता. बट आई थिंक दिस इज द माइनस पॉइंट और इसके लिए मुझे रिटर्न डालना ही पड़ेगा. बाकी ओवरऑल मुझे कुंदन बहुत पसंद है. सो उस हिसाब से देखें तो बहुत ही प्यारा पीस है पर्ल में और कुंदन वर्क के साथ. बस ये एक छोटा सा डिफेक्ट है इसके अंदर तो इसकी वजह से मुझे रिटर्न डालना पड़ेगा. और साइज की बात करें ना तो उसकी क्वालिटी जो रेट है ना वो इतना कम है ना, इट्स जस्ट फॉर 194 रुपीज. तो ये जितने भी मैंने सेट किए हैं ये 200 के नीचे ही है या फिर थोड़े बहुत ऊपर हो सकते हैं बट अंडर 200 के मैंने कॉल रखा है. सो इसकी बात करें तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा बट यस मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि इस टाइप की ना इस टाइप की ज्वेलरी बहुत सारे आउटफिट के साथ चल जाती है. तो ये जो मैं डिफेक्ट की बात कर रही हूँ वो ये है कि जो इसके स्ट्रिंग है वो ये इधर सेकंड वाले में जुड़ा हुआ है जो कि ये थे इधर जुड़ा होना चाहिए था. इसकी वजह से थोड़ा सा डिफेक्टेड पीस मुझे लगा. ये भी मैं इसको एक्सचेंज कर दूँ क्योंकि बहुत ही प्यारा पीस मुझे लग रहा था एंड साड़ी वगैरह के साथ भी बहुत स्मार्ट पीस लग रहा है. तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ज्वेलरी नेक्स्ट सेट. सो नेक्स्ट पीस जो है हमारा वो चेक कर लेते हैं. तो जितने भी मैंने खरीदे ना अंडर 200 ही है, ज्यादा भी नहीं है और बहुत ही रेंज वाइज बहुत ही अच्छे मुझे लगे. और ये भी कुछ सुंदर वर्क में है लॉन्ग में, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था. एंड जो इसका ये पीस है ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक ऐसे नहीं है चीप क्वालिटी नहीं दे सकते आप इसको. क्वालिटी बड़ी थी मुझे बहुत सही लगा. तो ये इस टाइप के भी आप साड़ी पर वेयर कर सकते हो, बहुत प्यारे लगेंगे. और जो इसके इयररिंग्स हैं वो मैं दिखा देती हूँ. तो पहन कर देख लेते हैं फटाफट से. तो ये मैंने वेयर कर लिया है कुछ इस तरीके से लग रहा है. बाकी अपने मैचिंग के अकॉर्डिंग पहनोगे आप तो फिर बहुत ही प्यारा पीस लगने वाला है. एंड इयररिंग्स भी इसके काफी अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं. सो ओवरऑल मुझे ये सेट बहुत अच्छा लगा और प्राइस का है ओनली 200 और कुछ इस तरीके का मुझे दिखा था. मेरा पीस है ये, मेरा नेक्स्ट जो मेरा पीस है ये मेरा इस हॉल में सबसे फेवरेट रहा है. इट इज चोकर
पे एंड वो भी ब्यूटीफुल पर्ल्स वाला लुक है इसका इयररिंग एंड ये इसका पर्ल में वाला लुक है ये इस टाइप के जो जो भी चोकर सेट होते हैं ये साड़ी लहंगा सूट ड्रेसेस बहुत सारे चीजों के साथ मैच हो जाते हैं और चल जाते हैं ये तो मल्टीपर्पज रहता है तो ये तो होना ही चाहिए और जो इसका ये वाला पीस है ये काफी हैवी है इट्स नॉट लाइक की चीप क्वालिटी बिल्कुल नहीं है काफी हैवी और स्टर्डी है मतलब इतना हैवी भी नहीं है कि पहनने में कोई प्रॉब्लम हो बट ये कह सकते हैं कि चीप लुक नहीं आता तो इस तरीके से इसका लुक आने वाले पर मैं इनका दिखाती हूँ तो ये कुछ इस टाइप का लग रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है साड़ी के साथ और मोस्टली ये ना व्हाइट कलर है तो फिर बहुत सारे आउटफिट के साथ जाता है तो मैंने ज्यादातर कुछ ऐसे मैचिंग वाला कुछ नहीं मंगाया मोस्टली सब ऐसे ही है जो मल्टीपर्पज है ज्यादातर चीजों के साथ चल जाएंगे तो ये इसके इयररिंग्स है तो ये मेरा मल्टीपर्पज इसी टाइप का मेरे पास एक और सुपर सेट था वो भी मल्टी कलर था वो मैंने इतना पहना इतना मैंने कि मुझे लगता है कि अब वो उसको रिटायर कर देना चाहिए तो नेक्स्ट बार मैंने सेम ऐसा ये एक और मंगाया है तो ये मुझे बहुत पसंद आया था सो नेक्स्ट जो है ये इसमें ओपन कर देती हूँ ये है ट्रेडिशनल टेम्पल ज्वेलरी जो थोड़ा गोल्ड वाला दिख रही है तो इसका गोल्ड वो येलोइश टोन वाला नहीं है काफी टाइम से मैं सोच रही थी कुछ टेम्पल ज्वेलरी क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह पे बहुत प्यारी लगती है कुछ बंद करने का सिस्टम ही नहीं है तो मैंने ऐसी हाथ से पकड़ा हुआ है पैंट का दिखाने के लिए इसके इयररिंग्स है इसमें अब देखो कुछ दिया ही नहीं हुआ कि लॉक कर दूं दोनों तरफ से दस चेन ले ली है पीसेस इतने अच्छे बनाते हैं मैं इसको सब छोड़ देते हैं इस वजह से ही रिटर्न करना पड़ेगा मुझे अभी इसका क्या इसका प्राइस है 189 रुपीज तो अगर इसमें डिफेक्ट नहीं होता तो काफी अच्छा पीस रहता है ये बट इसमें डिफेक्ट है तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा नेक्स्ट ज्वेलरी सेट में जल्दी से आपको दिखा देती हूँ ये भी कुछ फुल्लिन में ही है फुल्लिन मेरा मुझे फेवरेट रहा है ज्वेलरी में इसलिए मैंने एक और कुछ सुंदर में ऑर्डर किया वो उसका पैटर्न कुछ सही वाले के जैसा ही है बट हाँ ये चोकर चोकर सेट में और वो थोड़ा लॉन्ग देगा तो दिस इज द पीस क्वालिटी अच्छी है काफी इसका स्टर्डी है डिजाइन भी सब कुछ क्वालिटी वाइज और स्मार्ट पीस है ये इयररिंग्स इसके ये भी इयररिंग्स है ये इयररिंग्स है पहन कर देख लेते हैं कैसा लगने वाला है इस टाइप का ही लग रही पहन कर सुगर सुख में और बहुत प्यारा लुक आ रहा है अच्छा लुक आ रहा देख सकते हो और इयररिंग्स भी इसके अच्छे हैं छोटे से क्यूट से तो दिस वन इज गुड और तो गाइस अब मेरा लास्ट पीस है ये ज्वेलरी का ज्वेलरी सेट का तो ये हाँ तो मैंने पहले बताया था कि आपको वो चीज है चीपेस्ट है तो जो दिस वन इज द चीपेस्ट मुझे इयररिंग्स मिले हैं ये बार इयररिंग बहुत मुझे डिफेक्ट मिला कि ये का एक स्टोन गिरा हुआ है स्टोन का काट दे तो यही डिफेक्ट है मुझे मीशो के प्रोडक्ट
बाकी सब कुछ ठीक रहता है। ये सोकर भी बहुत स्मार्ट है बट हियरिंग इज मिसिंग, सो वी फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू। सो जैसे स्पीच का मैं कुछ नहीं कर सकती, डांस करना पड़ेगा, बट बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, हियरिंग से बहुत प्यारे लगे थे और बहुत सारी चीज़ों से पर्स का ये बस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अभी अभी ये जो इसका स्ट्रिंग है ना, ये कुछ ऐसे खुलजा हुआ है ना, ये मूव नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं बंद भी नहीं कर पा रही हूँ। जैसे सर ये ना आप डिफेंड डिफेक्ट और हमेशा से खरीदने के बाद यही एक आपका दिमाग रहता है कि बहुत सारे डिफेक्ट चीज़ें वो भेज देते हैं, फिर रिटर्न एंड ऑल सब कुछ करो, तो ये सुनकर इशू रहता है। तो कभी भी ऑर्डर करने लगो ना तो एक तो पीस जाके मंगा लें, फिर डिफरेंट नहीं तो फिर मैं आपके साथ जैसा पोपट हो सकता है कि पीस खराब निकल गया या फिर कुछ, तो फिर आप रह जाओगे मिलते हो। बाकी मीशो पे बहुत अच्छी जुलरी मैंने और भी देखी थी और वेस्टर्न बहुत अच्छा लग रहा था, फिर वेस्टर्न जुलरी भी ट्राई करने वाली हूँ और जो भी मैं शो करूंगी आपको यहाँ पर। बट यहाँ पर जो भी जितनी मैंने खरीदे ना उसमें से मुझे काफी पसंद है और तीन में बड़ा डिफेक्ट है तो मुझे वापस करना पड़ेगा, उसका भी कोई नहीं करता। तो ओवरऑल मेरा मीशो का शॉपिंग एक्सपीरियंस ओके ओके रहा। कल पहले भी मैंने जो मीशो कुर्ती हॉल किया था उसमें भी मेरी तीन चार पीसरी पीसेस मेरे डिफेक्टेड रहे थे, तो मुझे वो रिटर्न करने पड़े। और अमेजोन भी जो मैंने किया था उसमें मेरा लाइक एक ही बस ऐसा मुझे रिटर्न करना पड़ा था, बाकी सब की क्वालिटी। So this is all about my Meesho jewelry haul. So मेरा ये वीडियो कैसा लगा please let me know in the comment section। चलिए कि और भी वीडियोस या फिर आपके कुछ और सजेशन हो रिगार्डिंग और टाइप की वीडियो तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ में और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहूँ। देन प्लीज लाइक माई चैनल जिससे मुझे मोटिवेशन मिले एंड कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से वीडियो। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।